राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इस अजमेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भाले राव जी, इस विद्यालय के कुल सचिव बी वेंकट जी आज हमारे बीच में नहीं पधारे, लेकिन देश और दुनिया के बड़े शिक्षाविद, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के कस्तूरी रंगन जी, अजमेर के लोकसभा में हमारे साथी श्री भागीरथ चौधरी जी, माननीय सभी विधायकगण, विशिष्ट अतिथिगण और इस विश्वविद्यालय के अंदर प्राध्यापक प्रोफेसर, अन्य फैकल्टी के मेंबरगण, जिनके उत्कृष्ट मार्गदर्शन से आज ये बच्चों को उपाधि देना संभव हो पाया, मैं उन सबको भी इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अजमेर देश की आध्यात्मिक नगरी है, तप और तपस्या की धरती है और अजमेर हमारा प्राचीनतम शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां पर आजादी के पहले यहां के विश्वविख्यात शिक्षा मंदिर के कारण अजमेर की ख्याति भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर रही है और इसी अजमेर की धरती पर इस मनोरम प्रांगण के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अजमेर में मेरा आज आना हुआ। मुझे यहां आकर बहुत प्रसन्नता हुई और मैं कह सकता हूं कि एक नन्हा सा पौधा आज ये विश्वविद्यालय वटवृक्ष बन चुका है और आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय जिस तरीके के यहाँ के कुलपति जी, इनकी सारी टीम मिलकर सहयोग कर रही है, ये विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अपना स्थान बनाएगा। आज आप सब प्रतिभाशाली छात्र युवाओं को देखकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जब भी युवाओं के बीच में जाता हूं तो उन युवाओं से मुझे नई ऊर्जा मिलती है, काम करने की नई शक्ति मिलती है और आपके नए इनोवेशन, आपकी नई सोच, नए विचार मुझे भी निश्चित रूप से प्रेरणा देते हैं। आज मैं विशेष रूप से यहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की है, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और जिन्होंने अपने अपने विषयों के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में उपाधि प्राप्त की है, मैं उनको भी प्रमुख रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करना, अपने शिक्षण के बाद सिद्धि प्राप्त करना जीवन का बहुत गौरवपूर्ण क्षण होता है।
ये गौरव पोषण आपके लिए तो होता ही है, लेकिन जिन्होंने आपको शिक्षा दी, संस्कार दिए, उनके लिए भी गौरव पोषण होता है और माता पिता के लिए भी बहुत गौरव पोषण होता है। जब माता पिता अपने पुत्र को ये उपाधि प्राप्त करते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी नई आकांक्षाएं, नई अभिलाषा जागृत होती है। और आज इस डिग्री के साथ आपने औपचारिक शिक्षा पूरी की है, लेकिन शिक्षा तो आपको जीवन पर्यंत प्राप्त करनी होगी। ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है, और जो व्यक्ति, जो नौजवान विद्यार्थी किसी भी उम्र के अंदर हो, अगर वह हमेशा अपने ज्ञान को अधूरा मानकर लगातार प्रयास करता रहे तो उसको हमेशा उस ज्ञान से नया संचार होता है, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। निश्चित रूप से आपने एक पड़ाव पार किया है, अब नए पड़ाव की ओर आप बढ़ रहे हैं। ये नया पड़ाव आपके लिए नया अध्याय शुरू करेगा, जीवन की नई शुरुआत करेगा। आपने जो कुछ भी अपने यहां पर बाल्यकाल से लेकर अभी तक जो शिक्षा प्राप्त की है वह निश्चित रूप से आपकी बुद्धि को तो विस्तार करेगी सही, लेकिन इस शिक्षा के अंदर जो चरित्र निर्माण आपका हुआ है, जो विलक्षण प्रतिभा आपको मिली है, उस विलक्षण प्रतिभा का भी लाभ मिलेगा। आप में से कई लोग फिर कोई ना कोई कंपटीशन के अंदर, प्रतियोगिता के अंदर भाग लेंगे, कोई आईएएस की तैयारी करेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई समाज सेवा करेगा, कोई टेक्नोलॉजी के आधार पर नया बिजनेस का काम शुरू करेगा। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आप आपके करियर की शुरुआत करेंगे। ये करियर की शुरुआत आपके जीवन में जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, जो कुछ भी इस शिक्षा से आपने ऊर्जा प्राप्त की है, आंतरिक ऊर्जा प्राप्त की है, उस ऊर्जा का इष्टतम उपयोग आप आपके जीवन में करेंगे। और निश्चित रूप से आपकी इस शिक्षा का लाभ देश को मिले, समाज को मिले, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य डिग्री प्राप्त करने के बाद कोई नौकरी प्राप्त करना या सरकारी निजी व्यवसाय में नौकरी प्राप्त करना तो होता ही है, लेकिन अब बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें हमारे दृष्टिकोण को बदलना होगा, हमारे विचार को बदलना होगा। कोई समय था जब बच्चा पढ़ता था तो इस अपेक्षा से, आकांक्षा से पढ़ता था कि मैं विश्वविद्यालय के अंदर या कहीं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ूंगा तो मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। आज इन नौजवानों को मैं देख रहा हूं कि बदलती परिस्थिति में नौजवान आज दुनिया के अंदर नए इनोवेशन के कारण, नए नवोन्मेष के कारण आज दुनिया में लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आपको इसी दृष्टि से, इसी दृष्टिकोण से नई दिशा बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर एक बदलाव लाने की व्यापक क्षमता होती है। इस दुनिया के अंदर या भारत के अंदर जब कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो कुछ भी बड़ा बदलाव आया है वो देश के नौजवानों ने किया है। और हमने आजादी के पहले भी देखा है,
कि आजादी की लड़ाई के अंदर भी हमारे उन नौजवानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, बलिदान दिया और देश आजाद हुआ। हम आज जब 75 वर्ष आजादी के हमने पूर्ण प्राप्त किए हैं तो ये बात सही है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बहुत हुए हैं, लेकिन जिन सपनों को उन समय के नौजवानों ने देखा था, जिन लक्ष्यों के लिए उन्होंने आजादी प्राप्त की थी, उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप सब नौजवानों की है। इसलिए आप में बदलाव की क्षमता है और बदलते परिप्रेक्ष्य में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए आपको इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बदलाव के नायक बनने की आवश्यकता है। आप जो मैं नौजवानों को भी देख रहा हूं, जिस तरीके का टैलेंट मैं यहां देख रहा हूं, मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर आप जैसे नौजवानों से दुनिया और देश में बदलाव होगा। साथियों, भारत वह धरती है जहां हम गुरुकुल पद्धति की बात करते हैं, और कल प्रधानमंत्री जी ने सही कहा था कि हमें गौरवशाली अतीत नहीं भूलना चाहिए। हमारा गौरवशाली अतीत हमें नई प्रेरणा देता है आधुनिक भारत बनाने की, और इसलिए गुरुकुल पद्धति आज भी दुनिया के अंदर भारत की गुरुकुल पद्धति आज भी सर्वश्रेष्ठ है। और गुरुकुल पद्धति में केवल शिक्षा न होती थी, शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कार के साथ आध्यात्मिक ज्ञान, और एक अभिभावक के रूप में उस शिक्षा से व्यक्तित्व निर्माण करने का काम उस गुरुकुल में होता था। और आज मैं यही दिशा यहां के प्रोफेसर आनंद भाले राव जी के मन में देख रहा हूं। उन्होंने इस आध्यात्मिक संस्कृति और हमारे पुरातत्व ज्ञान को आधुनिकता में लाकर किस तरीके से इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम देश की वर्तमान चुनौतियां भी और देश की भावी चुनौतियों का समाधान निकले। और आज दुनिया इन सारी चुनौतियों का समाधान देख रही तो भारत की ओर देख रही, और भारत किस लिए देख रही है कि हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनके नए इनोवेशन की क्षमता, उनकी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की क्षमता के कारण दुनिया अगर आज देखती है कि कहीं बदलाव होगा तो भारत की धरती से होगी, भारत के नौजवानों के द्वारा होगी। इसलिए आज हम सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें बदलाव की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना है कि आजादी के 75 साल के इस पड़ाव के बाद, जब हमारे आजादी के 75 साल का अमृत काल का समय होगा, उस अमृत काल के समय हमें इस देश की चुनौतियों को भी और विश्व की चुनौतियों का समाधान इन विश्वविद्यालयों और इन आईआईटी के कैंपों से निकालने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके पीएचडी के विद्यार्थी यहां पर हैं, हम पीएचडी करते समय हमें कुछ अपने विषयों को, जो भारत के विषय हैं, जो भारत की चुनौतियां हैं, जो भारत के भविष्य में जो चुनौतियां बन सकती है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो, चाहे हमारे आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर हो, हमारे चिकित्सा के सेंटर, बायो के सेक्टर में हो, तमाम सेक्टर के अंदर जो पीएचडी का विद्यार्थी यहां बैठा है, उसको इस देश की वर्तमान समस्याओं पर अध्ययन करने की आवश्यकता है, और उन समस्याओं को अध्ययन करने के बाद उसके समाधान बताने की आवश्यकता है। हम सरकार की उन सब समस्याओं को, जो उन्होंने इस देश के अंदर अभी वो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, देश की जितनी योजनाएं हैं इन योजनाओं का इंपैक्ट जमीन पर क्या है, और इस योजनाओं के माध्यम से किस तरीके से समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, ये काम भी हमें पीएचडी के विद्यार्थियों को करने की आवश्यकता है, ताकि हम एक सरकार के सलाहकार के रूप में भी काम कर सकें। ये भारत
लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक परंपरा यह होती है कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो, सबकी सहभागिता हो, सबकी भागीदारी, सबकी सहभागिता, सबके सहयोग से हम देश में परिवर्तन कर सकें। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर जो सरकार की योजना है, केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, जो आज की चुनौतियां हैं, जो हमारी वैश्विक चुनौतियां भी बन चुकी है, और उस वैश्विक चुनौतियों का समाधान अगर कहें तो भारत में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज जलवायु परिवर्तन के अंदर एक दिशा देने का काम किया, हमारी इतनी बड़ी आबादी, 130 करोड़ का देश, हमारी भौगोलिक स्थिति, उसके बाद भी हमने संकल्प लिया कि जलवायु परिवर्तन के विषय के अंदर भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, और उस मार्गदर्शन में अगर सबसे बड़ी भूमिका होगी तो आप सब नौजवानों की होगी। इसलिए हर विषय के अंदर जो आने वाले समय में दुनिया में चुनौती बन सकते हैं, हमने अभी कोरोना महामारी के आपदा को देखा है, उस आपदा संकट के अंदर सबसे पहले भारत ने उस चुनौतियों का समाधान का रास्ता निकाला, वैक्सीनेशन निकाली, हमारे यहां पीपी किट नहीं बनते थे, हमारे यहां कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन उनका भी हमने यही अधिकतम लोग उत्पादन किया और दुनिया को देने का काम भी किया। इसलिए आज हमेशा एक खान पान की हो, जब मैं बायो के स्टूडेंट को देख रहा था, उनके चेहरों पे चमक थी कि दुनिया में खान पान कैसा होना चाहिए। आज हम बीमारी का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन बीमारी का क्या होने के क्या कारण है, इसके समाधान का रास्ता कौन निकलेगा, आप सब विद्यार्थी निकालेंगे। हमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, ये सारे के सारे कल्चर को दिशा देने का समाज का काम करेगा तो भारत का यह नौजवान करेगा। इसलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और साथियों, जो आज की पीढ़ी जिस कड़ी मेहनत से काम करेगी, हम आने वाली पीढ़ी को और प्रेरणा देंगे, और इसीलिए हमारी वर्तमान पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली भविष्य की पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, क्या दृष्टिकोण देना चाहते हैं, क्या दिशा देना चाहते हैं। और इसीलिए आज हम जब अमृतकाल के अंदर चल रहे हैं, आज 25 साल का 26 साल का नौजवान बैठा है, जब आजादी के 100 साल होंगे तो दुनिया के अंदर जब भारत नेतृत्व करेगा तो नेतृत्व करेगा आपकी अद्भुत क्षमता के कारण, आपकी ऊर्जा के कारण, आपकी इनोवेशन के कारण, आपकी सोच के कारण, आपके विचार के कारण। और इसलिए आप आजादी के 100 साल बाद भारत कैसा देखना चाहते हैं, ये मन विचार में होना चाहिए, और इन मन विचार, उन संकल्पों को पूरा करने का, सपनों को देखने का, सपना का पूरा करने की जिम्मेदारी आप सब नौजवानों की है। इसलिए चाहे सरकार हो चाहे शासन हो, वह सबसे पहले देखता है तो हमारे नौजवानों की ओर देखता है। इसलिए यहां पर कई छात्राओं ने वो गोल्ड मेडलिस्ट पास किया। आज भारत के अंदर कोई भी सेक्टर में चले जाए, आप हर सेक्टर के अंदर जिस तरीके से हमारी युवा छात्र महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल किए, इस देश नहीं दुनिया के अंदर भी, आज हम अगर किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हर सेक्टर के अंदर महिलाओं ने अपने नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाया है, उन्होंने अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग किया है। और इसीलिए आज हमें नारी शक्ति पर गर्व है। हमारी प्राचीनतम संस्कृति के अंदर भी, चाहे आजादी की लड़ाई हो और आजादी के बाद समाज में व्यापक बदलाव हो, समाज सुधार करने हो, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना हो, उस समय भी हमारी मातृत्व शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और आज 75 साल आजादी के बाद भी हम नए सपने जो देख रहे हैं हमारी नारी शक्ति में देख रहे हैं, वो सपनों को पूरा करने का काम करेंगी। साथियों, मैं एक लोकतांत्रिक संस्था का अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपसे कुछ लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भी बात करूं, और मैं सपने देखता हूं कि धीरे धीरे हमारा नौजवान राजनीति से विमुख होता जा रहा है, और यह हमारे लिए चिंता का विषय है। दुनिया के अंदर
शासन करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो लोकतंत्र है। और जब कई देश आजाद हुए तो अलग कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाए? हमारे उस समय संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमें संसदीय लोकतंत्र अपनाना चाहिए, और आज दुनिया के अधिकतम देश संसदीय लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर हमारी सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। हम केवल वोट देकर चुनने का काम नहीं करें, जिन व्यक्तियों को चुनने सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि जिनको हमने सेलेक्ट किया वो देश की भावी नीतियों कार्यक्रम बनाने में और बेहतरीन काम करें। और इसीलिए आप सब नौजवान उन चुने जनप्रतिनिधियों को आपका इनपुट देंगे, आपने जो रिसर्च किया, आपने जो इनोवेशन किया, आपकी जो सोच है उन सोच को बताएंगे, ताकि वो उस लोकतांत्रिक संस्थाओं में आपकी आवाज बन सके, आपकी बात बन सके। इसलिए हमें लोकतंत्र की प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए। हमारे छात्र संसद हो जिनमें विषयों पर चर्चा हो, और विषयों पर चर्चा होने के बाद उसका समाधान भी हो। केवल चर्चा नहीं, चर्चा संवाद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन चर्चा संवाद से जो अमृत निकले वह समाज का कल्याण करे, और इस समाज के कल्याण का अमृत निकालने का काम आप करेंगे, ताकि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करकर नए भारत का निर्माण कर सकें। हमारे सामने इस देश के बदलाव के साथ नए भारत निर्माण करने का हमारा सपना है। हमारा सपना है एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का। हमारा सपना है कि दुनिया के अंदर हर चुनौतियों, हर परेशानी, हर कठिनाई, हर विज्ञान का समाधान निकालने का अगर रास्ता है दुनिया देखे तो भारत की ओर देखे। और इसलिए कई उदाहरण है, आज राजस्थान की धरती में किशनगढ़ में हूं, किशनगढ़ के अंदर हमारे पाटनी साहब बैठे हैं, दीन बंधु जी बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं। ये जो पूरा इलाका था किशनगढ़ का, इस किशनगढ़ के आसपास केवल मकराना का मार्बल पत्थर निकलता था, आज देश और विश्व की बड़ी मंडी किशनगढ़ बन चुकी। ऐसे कई हमारे राजस्थान के, हमारे कोटा चले जाए, कोटा एजुकेशन का बढ़ा चुका, आज कोटा के अंदर कोटा में कोचिंग करने वाला विद्यार्थी चाहे मेडिकल का हो चाहे आईआईटी का हो, दुनिया के अंदर और दुनिया के बाहर अगर मेडिकल और आईआईटी का विद्यार्थी है तो उसकी कहीं ना कहीं कोटा में कोचिंग हुई है। और मैं जब देश के हिस्सों में जाता हूं, मैं तो जब सोचता था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया के अंदर हमारा देश आने वाले समय में विकसित भारत होगा, और इस विकसित भारत को कौन बनाएगा? इस विकसित भारत को बनाएगा हमारा नौजवान बनाएगा। आज दुनिया के जितने भी विकसित देश में मैं गया, जितनी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जिसको कह सकते हैं सबसे टेक्नोलॉजी वाला देश में गया, वहां भी उस देश को विकसित बनाने में, वहां की टेक्नोलॉजी देने में काम कर रहा है तो भारत का नौजवान कर रहा है। मैं पिछली बार जब जापान गया तो जापान ने मुझे बताया कि भारत का आईआईटी का बच्चे की कॉलोनी बनी हुई है, और जितनी भी संस्थान है आज विश्व की, जितनी भी आप संस्थान उठा लो, उन सारे संस्थानों के अंदर अगर कोई विश्व की बड़ी कंपनियों में सीईओ है तो भारत का नौजवान है। ये हमारी सामर्थ्य शक्ति है। इसलिए साथियों, दुनिया भारत के नौजवानों की तरफ देख रही है, और भारत का नौजवान उन सपनों को, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, नई सोच, नए विचार और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है आज आपने ये डिग्री प्राप्त की है, ये लेकिन डिग्री प्राप्त करने का आपका एक पड़ाव पूरा हुआ है, जिंदगी का दूसरा पड़ाव नए भारत के निर्माण का होगा, राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान हो और हम सब सामूहिकता के साथ, कर्तव्य भावना के साथ काम करेंगे तो दुनिया के अंदर भारत को 25 साल का इंतजार नहीं करेगा। जल्दी हम भारत के नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य के साथ नए भारत का निर्माण कर पाएंगे, उन आजादी के नौजवानों के सपनों का भारत निर्माण कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।